रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, वो मिलने भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वो का मतलब आपकी मंजिल, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, नहीं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PVR स्टडी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई करने के उद्देश्य से क्लास में आए होंगे। हाँ भाई, कोई और उद्देश्य है तो फिर वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, मुझे नहीं मालूम। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट ही हैं। अब आप किसी भी अवस्था में हैं वो हमें नहीं मालूम है। इंसान के अंदर में एक बच्चा होता है जिसे हमेशा रहना चाहिए। हाँ, इंसान के अंदर में एक बच्चा होता है, हर इंसान के अंदर में उसे हमेशा बच्चा बने रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर चीज़ सीखता है ना। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम क्या हो, कैसे हो, उससे नहीं मतलब, बस उसको सीखना होता है। तो बस वो बच्चे को अपने अंदर में आप एक्टिवेट रखिए। अगर आप भी मैथ के पीड़ित हैं, आप भी मैथमेटिक्स के रोगी हैं, आपको भी मैथमेटिक्स अर्थात गणित नहीं आती है, या फिर आप इससे जी छुड़ाते रहे अभी तक लाइफ में, भाई इंटर में मैथ नहीं लिया, बायोलॉजी ले लिया, उसमें तरह तरह की प्रैक्टिकल किया, इमेजिन किया, कल्पना किया, हाँ तो वो दुनिया ही अलग थी। लेकिन अब अगर नौकरी वोकरी करना है तो भाई जॉब वॉब करना है लाइफ में, कुछ तो मैथ ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैथ के अधिकांश 90% ये मान लो कि कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आपको कोई जॉब मिल जाए। सारी बात तो छोड़ दो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आगामी योजनाएँ हैं, यानी आप अपना जो खुद का आत्मनिर्भर बन सकते हो उसमें भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई प्रकार का भी आप बिजनेस करोगे मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, जोड़ घटाना हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना, लाभ हानि तो निकालनी पड़ेगी ना। तो बिल्कुल ये क्लास, ये बैच हमने लाखों छात्र छात्राओं के दुख और दर्द को सुन करके शुरू किया है, जिनके बहुत बड़े बड़े कष्ट हमारे पास आए हुए हैं कि मुझे मैथ नहीं आती है, बड़ी तकलीफ़ है। कल की क्लास में मैंने दिखाया था कुछ तकलीफ लोगों की, और यहाँ पे मैं सुना नहीं सकता हूँ, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग हैं उन भैया भाभी की, उन अंकल आंटी की जो मैथ सीखना चाहते हैं, काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे छात्र कम हैं, हाँ बच्चे कम हैं, बच्चों वाले ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ये क्लास है। उम्मीद करते हैं कि सभी हमारी बात को समझ रहे होंगे, और फिर हम क्लास में चलते हैं। सभी जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज का आपका जो टॉपिक है वो आप सबको पहले से पता है, आज आपका दूसरा क्लास है परसेंटेज। परसेंटेज मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि यहाँ से लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। कल तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था, केवल आपको पढ़ने के लिए तैयार किया था। आज हम परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को पूरा क्लास एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बहुत से बच्चे जुड़े हैं, मैं उनके एक बार नाम लेना चाहता हूँ। नितेश कुमार चंद्रवंशी, सुनील कुमार गुप्ता, प्रियंका सिंह, ज्योति सिंगरौल, दिवाकर, पंकज राज और सिया, इनका नाम ही केवल है सिया, सुनील, महिमा, मोती सिंह, रिमझिम सिंह एके और मुरारी जाट। और कौन जुड़ा है भैया, अपना नाम जल्दी जल्दी बता दो बच्चा। जिनके नाम कुछ अलग अलग है ना, वो इंसान वाला नाम बता दें, हाँ जिनके नाम कुछ शैतान नाम से आ रहे हैं वो इंसान वाला नाम बता दें, जिससे मैं बोल सकूँ, क्योंकि मैं सारा नाम नहीं बोलता हूँ ना। हिमांशु ठीक है, शिवकांत शुक्ला, मोहिनी अग्रहरी, भूषण ठीक है, सभी का कमेंट आ रहा, सभी लाइव जुड़े हैं। चलिए तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखने के लिए आए हैं, तो हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे कि आप किसी भी फ्रैक्शन या फिर किसी भी नंबर को भिन्न के रूप में अगर दिया है, नहीं उसे भिन्न के रूप परसेंट के रूप में कैसे बदलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से समझना, दिल से बिल्कुल। जैसे ये लिखा है 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, आप लोग ये बताओ कर लोगे इसे। ये जीरो लेवल क्लास है बाबू, जिनको हाई फाई क्लास चाहिए यहाँ से वो निकल लें पीछे के दरवाजे से, हाँ हाई फाई क्लास नहीं होगी, ये जीरो लेवल है। चलो ठीक है, अब समझ गए ना, अब समझो यहाँ से भाई, एग्जाम पूर्व आए आप पढ़ाई कर लो बाबू, हाँ पढ़ाई कर लिया करो तो अच्छी बात है, फालतू कमेंट ना किया करो, हाँ
देखो आप समझो, यहाँ पे तरीका मैं बताऊंगा, एकदम जीरो से बताऊंगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। किसी भी नंबर में, चाहे वो भिन्न है चाहे वो दशमलव संख्या है, किसी भी रूप में है, अगर उसमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना है, मतलब परसेंटेज का चिन्ह अगर लगाना है बाबू, तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है कि हटाना है? परसेंटेज में अगर बदलना है तो 100 से गुणा करना है। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा चमक कम कर देता हूँ, ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है। तो भैया हमें क्या करना है बबुआ, इसमें इसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, यानी परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। तो क्या करेंगे हम इसे, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट, 2/5 गुणा 100, कितना आएगा, 40% आएगा, कितना आएगा, 40% आएगा, कितना आएगा बताओ, सोच के बताओ। तो भैया हो, 5 से काट दो, 5 × 2 = 10, 40%। लेकिन एक चीज और है, समझो, अगर परसेंट का चिन्ह लगाना है, देखो हमारा उत्तर परसेंट में आया है, हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना था, तब 100 से गुणा करेंगे, याद रखना। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को पकड़ लो, फिर से इसको ले आओ, चलो इधर साइड में आ जाओ बच्चा, और 40% का मान बताओ, ये जो 40 आया ना परसेंट, इसका मान बताओ। देखो सिंपल सा वे है, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से जुड़े हो तो आपसे निवेदन है, क्लास को पूरा एंड तक देखना, छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना तुम आधे हजार करके, और आके इसमें पढ़ लो। चलो अब 40% दिया है, अगर यहाँ से हमें परसेंट का चिन्ह हटाना है, भाई सिंपल सी बात है, मान निकालना यानी चिन्ह हटाना है, तो 100 से भाग करना है। ये लो, 1 × 0 = 1 कट गया, ये 4/10 बचा है, ये 2 से काट दो बच्चा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अगर आपको अच्छे से दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, तो 2/5 फिर से आ गया, ये 2/5 मैंने लिया था। सबको समझ में आया, इस क्लास को लाइक जरूर करें, और अगर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। जो थोड़ा सा कट रहा है मैं उसे एडजस्ट करूँगा, भाई ढील कर दो थोड़ा सा इसे, ये लो चलो, ओके ठीक है। तो ये सबको समझ में आया तो जल्दी से बोलो यस, फटाफट यस, और क्लास को लाइक करिए, जल्दी करिए, यस बोल के तुरंत लाइक करिए। विकास जाट जी आपका कमेंट आ रहा है, मनोज यादव आपका भी कमेंट आ रहा है, मुरारी जी आपका भी कमेंट आ रहा है, भाई हैदर गेमिंग, भाई बड़ा नालायक टाइप का है ये, हाँ चलो। देखो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, आप लोगों से निवेदन है कोई प्रकार की बातचीत वाला कमेंट ना करें, क्योंकि कोई प्रकार की बातचीत हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे बाबू, ठीक है। पहले पढ़ लो, पढ़ लो, चलो अब आप लोग ये समझ गए। चलिए इस तरह से एक और बताइए, 1/10, अगर मैं एक क्वेश्चन दिया सिंपल सा, 1/10, आप लोग मुझे इसका मान बता दोगे, 1/10। देखो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। 1/10 को परसेंट में बदलो, देखो सिंपल है, 1/10 को परसेंट में कैसे बदलेंगे, यहाँ से समझो आप लोग। भाई कैलाश जी समझ में आ रहा है, मिस्टर कैलाश, संतोष कुमार, ज्योति कुमारी, आभा त्रिपाठी, सुभाष, इसको भी वैसे ही करना है। देखो बाबू अगर परसेंट में बदलना है तो हमेशा 100 से गुणा करना है, अगर परसेंट का मान निकालना है तो हमेशा 100 से भाग करना है, तो इसको क्या करना है, 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, इक्वल 10% आएगा, कितना आएगा, 10% आएगा। अखिल कुमार बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए तो ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स से उम्मीद छोड़ दिया है कि मुझे मैथ आएगी, उनको आएगी, पक्का आएगी, आखिर आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। अगला इसी टाइप का सेम टू सेम, इसका उल्टा भी करवा देता हूँ, इधर साइड में आ जाओ, चलो इसका उल्टा भी कर लो। चलो भाई बताओ 10% का मान कितना आएगा, हाँ अरे चचा लोग, जैसे आप इधर साइड में
एक बटा दस को परसेंट में बदले तो 10% आया ना। वैसे इधर है साइड में आओ, अब आगे देखो, हमारे पीछे नहीं आगे देखो। 10% 10% का ये मान बताना है। देखो समझो, 10% का मान बताना है। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो फटाफट वो गिनती लिखनी है, 100 से भाग करना है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 उत्तर आ गया। अगर आप देखो तो 1/10 को लेकर के ही मैंने यहाँ किया था तो 10% आया था। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। शुभो गेमर, करण मीना, दिवाकर, समझ में आया भैया? आया ना बाबू? चलो इसी तरह से आप लोग 7/5 को बताओ तो 7/5 टाइप बदलूंगा, लेकिन जब तक सबको ना आ जाए तब तक नहीं। देखो एक बात मैं बता दूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास को पूरा देखें, बिल्कुल छोड़ के ना जाना सीखना चाहते हो तो। अगर चले गए छोड़ के तो मैथ आपको आएगी नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं। अगर आपने पूरा देख लिया, सीना ठोक के कहते हैं कि पूरी गारंटी आएगी, मैथ आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन पूरा देखना, बीच में ना जाना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। इसको बताओ, 3/20 इसको परसेंट में बदलो। देखो इतने सारे प्रश्न यहाँ से करवा दिए जाएंगे कि तुम खटाखट कर ले जाओगे। संगीता श्रीवास्तव, संदीप कुमार, रिशु कुमार, शिवकांत शुक्ला, एके, विपिन, ठीक है, ज्योति, 7/5 भाई सिंपल सा है बाबू। ये 7/5 इनको 100 से गुणा कर दो। देखो भैया गुणा कर लिया, काट लो, 140% आएगा। अगर तुम्हें लग रहा तकलीफ हो रही कि 140% सही है कि गलत है, तो इधर लाके इस कोलू में पेर लो, इसको मिल जाएगा नया नया। हाँ, जैसे सरसों की पेराई होके तेल निकलता है ना, वैसे ही, समझ रहे हो ना, उधर वाला रूल लगा दो फिर वही आ जाएगा। इस तरह से 3/20 वाला बताओ। सर्वेश कुमार, भाई सर्वेश को ब्लॉक करो तो, ये नालायक पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, गधे हराम खो रही से, इनको पढ़ना नहीं। ठीक है, तो 3/20 वाला आप लोग कर लिए, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग कर ले जाओगे सभी। अच्छा ठीक है, एक और बताओ तुम, एक और बताओ तो भैया, 17/50 इसको परसेंट में बदलो। 17/50 को परसेंट में मान बताओ तो। अशोक यादव, शुभो, शुभो, ऐसा ऐसा नाम रख लेते हैं कि तुम नाम बोल ही नहीं सकते इनका। आभा त्रिपाठी, किसी भी संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का परसेंट अभी बताऊंगा, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है सर्वेश, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे। तो देखो इसका भी तुम कर लोगे जैसे मैं बताया वैसे ही। अगर तुम कर ही ले रहे हो तो फिर एक और बता दो लगे हाथ, 12/25 इसको भी बता दो चाचा, कितना आएगा परसेंट में? हाँ परसेंट में कितना आएगा? देखो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है भैया। देखो हम आपके लिए अगर फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, रात का टाइम पूरा आपके लिए दे रहे हैं, अपना और अपनी को छोड़ करके आपकी क्लास में आए हैं, तो आप लोग भी समझो कि क्लास को लाइक और शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। शर्माओ नहीं इसमें, नहीं जो करे शर्म होके फूटे करम, तो भाई शर्म ना करो, क्लास को लाइक और शेयर करो, लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं बार बार बोलूं बेशर्मों की तरह, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। चलो इसको अगर मैं बताऊं तो आपको पता है, 100 से गुणा करेंगे, ये देखो कट गया, 48% आएगा। कितना आएगा? 48% आएगा ना। वैसे इसको करोगे भाई साहब 17/50, मैंने तरीका तो बहुत पहले बता दिया, 100 से गुणा करोगे 34% आएगा। अब इसको आप कर लिए ना, चलो अब देखो, अब देखो तुम समझो, यहाँ पे ये सब समझ गए,
अब ये सब बदलो, किनारे करो, अब थोड़ा अलग टाइप पे आओ, अब थोड़ा अलग टाइप में आ जाओ, अलग टाइप में आ जाओ, ये सब किनारे कर दो, हो गया बहुत। देखो बच्चा, अब अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आप सीख गए हो। अब किसी भी संख्या का परसेंटेज मतलब दिया गया है, उसका मान बताना है, कैसे बताएंगे? जैसे 25% का मान बताओ, 25% का मान कितना आएगा? देखो बहुत बड़ी क्लास नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। क्लास को पूरा देखना अगर गणित सीखना है, अगर आप अपने लिए भैया टाइम नहीं निकाल पाते हो ना, अगर आधा घंटा भी नहीं समय निकाल पाते हो तो गणित सीखने की उम्मीद छोड़ दो। हाँ, कुछ लोग देखते हैं, 5 मिनट देखेंगे भाग जाएंगे, जैसे लगी है उनके बहुत तेज से, रुक नहीं रही। तो भैया सब कुछ करके आया करो, क्लास पूरा देखा करो, भागा ना करो। वैसे ये तो मैंने फंडा उधर साइड बता दिया था, उल्टा वाला ना। अगर नहीं लगी है आपके तो क्लास पूरा देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधी क्लास हो गई, आधे में लोग भाग जाते हैं। सीख लो। चलो देखो, तो ये क्या करेंगे भाई, परसेंटेज का मान निकालना है। ऐसी स्थिति में हमेशा 100 से भाग करते हैं, 1/4। ये हो गया क्या आंसर? हो गया। तो आपने सीख लिया, जब कोई भी संख्या में परसेंटेज का चिन्ह लगा है उसका मान निकालना सीख लिया, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसका सीख लिया, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग नहीं गुणा करना है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करना है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करना है। जैसे देखो, यहाँ पे हटाना था 100 से भाग किया, यहाँ पे हटाना था 100 से भाग किया, इसके पहले अभी देख रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे। सबको समझ में आया? बोलो यस। क्लास पूरा देखोगे ना, जाओगे तो नहीं ना बीच में छोड़ के, जाना नहीं छोड़ के, पूरा देखना एंड तक। मैथ की वैक्सीन मतलब स्क्रीन देखे हो ना, ये मैथमेटिक्स का टीकाकरण हो रहा है, इसमें अभियान में भाग लोगे तो बिना मोदी जी की फोटो के फ्री का मिलेगा सब। चलो अब समझो, यहाँ पे फोटो भी नहीं देखनी मिलेगी और मिलेगा भी फ्री में। तो बताओ 5/4 परसेंट का मान, चलो 5/4 परसेंट का मान बताओ, ये फालतू है का इधर लिखा है, इसका मान बताओ, फिर हम बहुत ही इंटरेस्टेड अब चलने वाले हैं आगे बढ़ के, ये बड़ा बोरिंग लग रहा है ना, जल्दी करो, बहुत जल्दी मैं इसको ख़त्म भी करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ा घूम जा भाई, हैं? ठीक है, इसका मान किसी का आया? हर्ष, ठीक है, बहुत अच्छे। तो भैया हो 5/4 ना, परसेंट का चिन्ह हटाना है, इनको 100 से भाग करना है, ये 100 से भाग करने का यही मतलब है। फाइनल में इनको 5/4 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगेगा, ये पलट जाएगा, इनको काट दो, 1/80 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा? 1/80। सबको समझ में आ रहा ना भैया? आ रहा है ना बाबू? तो चलो फटाफट क्लास को लाइक करो, देर ना करो, बिल्कुल भी आप देर ना करो। ये मार्कर जो है थोड़ा बुढ़ा गया मुझे लग रहा है। हाँ, 125 आएगा, कौन से ज़माने में भाई, 125 नहीं आएगा गधो। यहाँ पे परसेंट लगा है तो परसेंट का चिन्ह मत लगाना, याद रखना, ठीक है? देखो भाग होगा, 125 नहीं आएगा कभी भी, 100 से भाग होगा, इसको भाग करा जाएगा, भाग का मतलब यही होता है। हाँ, भाग का मतलब यही होता है, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, अंदर अंदर का, हो गया। चलो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है अगर वैसे समझोगे तो ठीक है, अगर इसमें कोई बदलाव कर लोगे अपने मन से तो फिर अलग बात है। 1/80 था हरिकेश सिंह, 1/80 था, डायरेक्ट 80 नहीं था, 1/80 था।
तो सभी समझ गए ना? समझ गए, चलो ठीक है। अब कुछ अलग टाइप में चलो, जैसे कोई संख्या दी गई है, हाँ, ए का बी परसेंट निकालना, ए का बी परसेंट निकालना। अब समझो, पार्ट वन ऋषि सिंह चैनल पे है, ऋषि सिंह चैनल पे है पार्ट वन बाबू, ठीक है। जैसे कहा जाए कि 280 का 10%, बताओ। कल मैं शायद इस टाइप का बताया था, जो कल का नहीं देखा था वो भी इसको देखेगा, लगभग बहुत कुछ इसमें है कल वाला, लेकिन कल मैं आपको तैयार किया था क्लास के लिए, उसे देख लेना जरूर। देखो मैं बता देता हूँ, देखो भैया 280 है ना बाबू, का मतलब गुड़ा, 10 की जगह पे 10% हटाओगे 100 से भाग, बस यही फंडा है। थोड़ा कम दिख रहा होगा, मार्कर हल्का चल रहा है, एक जीरो यहाँ से काट दो, एक ठीक इनका काट दो, फाइनल में 28 आएगा। कितना आएगा? 28। लिख लो जल्दी जल्दी, अगर सीखना है बाबू तो क्लास को पूरा देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास छोड़ के ना जाना, बिल्कुल भी तुम छोड़ के ना जाना, गणित सिखाने की पूरी गारंटी। 500 का 38% बताओ, इसको हर कोई बताएगा, जल्दी करो। संदीप कुमार, ऋषि सिंह, ऋषि कुमार, अच्छा ठीक है, जो भी है, चलो जवाब दीजिए फटाफट, शरमाइए नहीं, शरमाइए नहीं। देखिए ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में उम्मीद छोड़ दिया था कि अब मुझे मैथ आएगी। बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ना यार, जिंदगी में एक उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, है ना? हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना, और वही उम्मीद आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हो। उम्मीद नहीं छोड़ना कभी कि मुझे नहीं आएगा, दुनिया उम्मीदों से भरी हुई है, ठीक ना? चलो अब कुछ नया करेंगे, कुछ नया नहीं, अभी पुराना ही कर लो, ज्यादा नया के चक्कर में ना पड़ो, थोड़ा सा और कर लो। अभी 900 का 45%, बताओ इसको, बताओ कितना आएगा भाई, फटाफट बताओ। देखो ऐसे शर्माओ नहीं, सीखने आए हो ना, किसी को पकड़ के लाने से तो नहीं आए हो, घिर्रा के लाया लतिया लतिया के, पढ़ने आए हो ना, अपने मन से आए हो ना कि ऐसे भूल चूक में आ गए, कुछ गर्मा गर्म देखने के लिए यूट्यूब पे आए थे, या भूल से मैथ वाली क्लास में आ गए, तो जाओ वहीं जाओ, वहीं जाओ, वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा, यहाँ पे तो पढ़ाई हो रही। देखो ये 500 का मतलब गुड़ा, 38% का चिन्ह हटेगा, उस गिनती के नीचे 100 आ जाएगा, बस याद रखना इतना ही करना है। ये दोनों सुनना से दोनों सुनना कट गया बबुआ, 5 का गुणा 38 में कर दो, 5 8 40, हासिल 4 5 3 15 4 19 190, यानी तुम ऐसे समझ लो, अगर हमारे पास 500 रुपया है और मैंने कहा बेटा मेरे पास 500 रुपया है और तुम हमें 50 बच्चे ले आओ लाइव में जोड़ दो, मैं तुमको उसका 38% दे दूंगा। हाँ समझ लो, मेरे पास 500 रुपये थी, मैंने कहा कि भाई रविशंकर तुम 50 नए बच्चे ले आओ लाइव क्लास में और मैं तुमको 500 का 38% दे दूंगा, तो 38% का मतलब 190 रुपया, कितना? 190। बहुत अच्छे भाई, इसका बहुत से बच्चों ने बता लिया, 405 आ रहा है। शिवकांत शुक्ला, दिवाकर, विपिन, ब्रिजकांत, अनिमेश, प्रियम पटेल, मोहिनी और पूनम पंडित, ठीक है। संगीता जी आपका भी आ गया, शिवकांत शुक्ला आपका भी आ गया, ठीक है। चलिए तो ये सब आप लोग कर लोगे ना, अब कुछ क्वेश्चन बदला जाए कि यही बदला जाए, नहीं तुम लोग कहोगे पूरा रात खराब कर दिए भाई से। बोल नहीं पाया मैं जो बोलने वाला था। चलो क्वेश्चन 80 और देखो, जो मैं अक्सर बताया करता हूँ उसको देखो। जैसे मैं अगर बोलूँ, वैसे टाइम मुझे लग रहा ज़्यादा हो रहा है ना, इसके आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप लोग पढ़ोगे नहीं,
हाँ पढ़ोगे, पढ़ोगे का? अच्छा चलो बता ही देता हूँ, बताओ। 96 का 24 कितना प्रतिशत है, ये परसेंटेज बताना है बचवा, चलो बताओ। हाँ 96 का जो 24 है वो कितना परसेंट है, जैसे कहा जाए कि भैया कोई भी बचवा था जो कक्षा 10 में पढ़ रहा था, 500 पूर्णांक था और वो हमारे से वो 350 नंबर लाया है, तो कितना परसेंट नंबर पाया है, बस यही बताना है। कुछ समझ में आया? मतलब कोनो बचवा पढ़ता था, 500 नंबर था उसका, मतलब पूर्णांक था कक्षा 12 में, भाई 12 में 500 होता है, कक्षा 10 में 600 का पूर्णांक होता है, तो 350 नंबर लाया, कितना परसेंट पाया ये निकालना है। मालूम है? हाँ देखो मैं बताता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चा। देखो मैं आपको अगर सूत्र बता दूँ तो ऐसे सूत्र से ही देख लो तुम। परसेंटेज बराबर, परसेंटेज बराबर प्राप्तांक, प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक, ये सूत्र लगा देना। ऐसी स्थिति में ये सूत्र लगा देना हो जाएगा। प्राप्तांक कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो 24 है एक प्रकार से प्राप्तांक, कह रहा कि कितना परसेंट है, और पूर्णांक यानी टोटल नंबर 96 है। बस हल कर लो भाई साहब, 4 चौक 16, 4 2 8 एक 9, ये कट जाएगा, 4 आएगा, इनको काट दो चचा को, 25 आएगा, 25%। कितना आएगा? 25% आएगा ना, बोलो सभी। हाँ ना दिख रहा हो तो मैं बता दूँ, 25% है कि नहीं, परसेंट का चिन्ह लगा लेना बेटा, परसेंट का चिन्ह लगा लेना राजा, बिल्कुल भी शर्माओ नहीं, दबो नहीं, फटाफट बताओ, एकदम ललकार के बताओ, 25% कितना आएगा, 25%। इस तरह का एक और क्वेश्चन करो। देखिए अगर गणित सीखना है, यकीन मानिए कि हम आपको सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप सच्चे दिल से हर जगह शेयर करोगे, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सकेगा, आपके पास जितना भी मोबाइल फ़ोन है सब में इस वीडियो को चलाओगे और पूरा चलाओगे, बिल्कुल रोकना नहीं वीडियो को, नहीं पढ़ना फिर भी चला देना, पूरा एक बार चल जाना चाहिए। अगर अच्छा खासा व्यूज आया ना, गारंटी हम लेते हैं कि पूरा यूट्यूब पर कम्प्लीट फ्री पढ़ा देंगे सब। लेकिन आप लोग शेयर करो बाबू यार, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए, आप लोगों का प्यार मोहब्बत कुछ मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। चलो तो अगला 125 का कितना प्रतिशत 75 है, जल्दी बताओ 125 का कितना परसेंट 75 है। अगर आपके घर में मम्मी पापा भैया दीदी किसी का मोबाइल फोन है तो उसमें भी चलाओ, सब में चलाओ। भाई आपकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी, मैं पढ़ाता हूँ, आप क्लास को लाइक और शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूर जरूर जरूर, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर वही होगा, 10 वीडियो आएगा फिर आगे नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा 20 वीडियो आएगा, 15 वीडियो आएगा, उतने में लेकिन कुछ नहीं होगा। अगर अच्छा खासा आप लोगों ने व्यूज दिया, 10,000 20,000, अगर 20,000 व्यूज आ गया महीना भर में, हम मान लेंगे बहुत है चलो, लेकिन कम से कम 20 से कम तो नहीं, और वो बिल्कुल सिंपल है, इसका कोई बताएगा? 60% हिमांशु, करण, मीना, ब्रिजकांत, एके, संगीता, भाई संगीता तुम्हारा तो दूसरे दिशा में जा रहा आंसर, गणेश चौधरी, जिनको नहीं आता वो नो लिख के कमेंट करें, जिनको नहीं आता वो नो लिखें, नो, मैं देखूं तो किसको नहीं आता, शर्माना नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना आप। चलो देखो मैंने अभी तरीका बताया था बाबू इस तरह का परसेंट निकालने के लिए, प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक, ये करना है। यहाँ प्राप्तांक का मतलब ये है कि जितना टोटल नंबर है उसका जो नंबर ये दे रहा है ये प्राप्तांक, 100 से गुणा करके टोटल नंबर से भाग कर दो, ये लो मिल गया,
25 पंचे 125, 25 तिया 75, 5 से काट दो चचा को, 60%। कितना आया? 60%। अरे इधर परसेंट लगा था तो इधर लग गया, बराबर है। कितना आ गया? 60%। तो छात्रों साथियों, आप लोगों से निवेदन है, क्लास को लाइक और शेयर करिए। आज का क्लास बंद करते हैं क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चे क्लास को बाद में देखेंगे नहीं, मुझे मालूम है। और हाँ, अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, इसके आगे की सारी क्लास लेना चाहते हैं, श्यामू मिश्रा जी, श्यामू जी, अगर इसके बाद की सारी क्लास आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो को ऑनलाइन देखें। कोई भी छात्र वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, कोई भी छात्र वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, तो उसको इस सीरीज के कम से कम 100 वीडियो मिलेंगे। जो सीरीज चल रही है इसमें कम से कम 100 वीडियो मिलेंगे। अगर इससे कम मिल रहे हैं आपको तो जान लो कि आपने पूरा नहीं देखा, कम से कम 100, इससे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ सुनिए, आज का क्लास तो मैं बंद करता हूँ, इसके पीछे की सारी क्लास और आने वाली सारी क्लास की नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हो तो आप PBR स्टडी को टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर PBR स्टडी सर्च करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन उसमें मिलेगी। जो क्लास अब तक पढ़ाई गई है वो भी इसमें भेजी गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना भैया, ठीक है ना बाबू। हाँ, अगर आप नहीं जानते हो टेलीग्राम क्या है तो आप YouTube पे PBR स्टडी टेलीग्राम सर्च करिए, आप YouTube पर PBR स्टडी टेलीग्राम सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी क्लास मिल जाएगी। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि 25 से 30 दिन में आप पूरा गणित सीख जाओ, मात्र 30 दिन में पूरा बेसिक सीख जाओ कंप्लीट, तो ये गारंटी वाला कोर्स एक अलग से हम आपको देते हैं। इसके लिए आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। PBR स्टडी ऐप में जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, 30 दिन में सिखाएंगे पूरा कंप्लीट फुल, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, आज के लिए इतना ही। ये जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, सॉरी, ये नंबर दूसरे क्लास का है जो नीचे जा रहा है, इस पर आप लोग कोई भी संपर्क नहीं करेगा, ये नंबर मैं हटा दूंगा फिलहाल, कोशिश रहेगी। हाँ, तो ये नंबर जो है गलती से आज इसमें चल गया है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, जय हिंद। अगर कोई सवाल है तो आप बता देना। हाँ, ये नंबर नहीं है, देखो नंबर मैं दे देता हूँ, एक मिनट सुन लो नंबर, सुन लो आप लोग, रुक जाओ। ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ये दूसरी क्लास का है, ठीक है, ये दूसरे गुरुजी का है, इनको आप लोग परेशान नहीं करना वैसे, हाँ, क्योंकि इनके यहाँ बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है। ये देख लो नंबर, ये नंबर है आप लोगों का फ़ोन कॉल या मैसेज के लिए, व्हाट्सएप के लिए, ये नंबर है, ये ले लो, ये नंबर ले लो जिनको लेना है। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ये नंबर नहीं है आप लोगों के काम का, हाँ, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो बोलो। तो भैया रेगुलर रात के 9 बजे से लाइव आएंगे हम, पढ़ना आप लोग, हाँ, रात के 9 बजे से डेली लाइव आएंगे पढ़ना। और ये मैंने सारी जानकारी बता दिया, आप चाहे तो YouTube वाला पढ़ो रोज, और चाहे तो फिर हमारा क्लास आप ऐप में जाके ले लो, 30 दिन में सीख जाओ। चलते हैं फिर, बहुत बहुत थैंक यू।